13 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कुछ तस्वीरें जो आज बेहद जरूरी है जानना, प्रदूषण की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने आज हम कालिंदी कुंज दिल्ली यमुना घाट पर पहुंचे हैं, क्योंकि यमुना नदी लगातार विवाद का विषय बनी हुई है जिस पर लगातार सियासत हो रही है, और इसी की तस्वीरें दिखाने आज हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिस स्तर पर अब प्रदूषण पहुंच गया है यमुना नदी का, उसने भविष्य के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। सोचिए आज अगर ये हालात हैं तो 10 साल बाद क्या हालात होंगे। मेरे पीछे का नजारा अगर आप देखेंगे तो सफेद चादर से ढकी हुई यमुना नदी केवल आपको नजर आएगी। ये सफेद चादर और किसी की नहीं है, क्योंकि स्तर बढ़ता जा रहा है इस नदी में अमोनिया का, उसकी वजह से यहाँ पर ये सफेद झाग आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा सफेद झाग से बिछा हुआ है इस यमुना नदी के ऊपर, और लगातार अब ये घातक साबित हो रहा है। खुद वैज्ञानिक भी इसको लेकर चिंता जता चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कितनी डराने वाली, कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं, और भविष्य की चिंताएं इसने बढ़ा दी हैं। हालांकि कुछ देर पहले ही यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, मैंने इससे पहले भी तस्वीरें आपको दिखाई थी, लेकिन ये बैरिकेड्स जो बांस की लकड़ियों को इकट्ठा कर बनाए गए हैं, ये भी अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से अभी टूट रहे हैं, और जो झाग का पानी है जिसको रोकने की इससे पहले कोशिश की गई थी वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी देखिए सारी कोशिशें हो रही हैं लेकिन सब विफल हो रही हैं, और ये आज का मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी यही तस्वीरें हमने यमुना नदी की देखी थी, इससे पिछले साल की बात करें या फिर 2 साल पहले की बात करें, लगातार यमुना प्रदूषित हो रही है, ये हम सब कहते हैं, लेकिन आखिर हम करते क्या है, इसका नतीजा क्या होता है, कुछ भी नहीं। और अगर दूर की तस्वीर दिखाऊं, मैं इस पार खड़ी हूं, ये दिल्ली का इलाका है, इस हिस्से में यमुना नदी जो है वो दिल्ली के हिस्से में आती है, लेकिन उस पार की अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, उस पार वो उत्तर प्रदेश का इलाका है, उतना हिस्सा यमुना नदी का उत्तर प्रदेश में आता है, और भीड़ देख लीजिए आप वहां पर। छठ की एक छवि आपको दिखाती हूँ, दूर आप देखेंगे, देखिए हजारों की संख्या में वहां पर, सैकड़ों की संख्या में लोग इस वक्त नदी के किनारे मौजूद हैं, यमुना नदी के किनारे मौजूद हैं, और छठ पर्व वहां पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। आवाजें अगर गानों की, भजनों की आप तक पहुंच रही होंगी तो वो भी आप सुन सक रहे होंगे, साथ साथ पटाखे भी वहां पर कुछ फोड़े जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से मजबूरी है इन लोगों की भी, क्योंकि इनको अपना पर्व मनाना है, और महापर्व बेसब्री से ये सब इसका इंतजार करते हैं। छठ महापर्व माना जाता है, इस दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और आज भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ये लोग यहाँ पर हजारों की भीड़ में, सैकड़ों की भीड़ में मौजूद हैं, क्योंकि इनको तो अपना पर्व मनाना है, लेकिन इसी को लेकर अब सियासत भी हो रही है। और सवाल ये उठता है कि जब हमें पता था कि दिवाली के बाद ये महापर्व आने वाला है तो तैयारियां पहले से क्यों नहीं कर ली गई। फिर से तस्वीरें आप देखिए, बेहद जरूरी है ये बैरिकेडिंग, ये जो लोग आप यहाँ पर खड़े हुए देख रहे हैं, सुबह से मेहनत कर रहे थे यहाँ पर खड़े होकर, लेकिन ये जो बांस की जो लकड़ियां हैं इनकी वजह से देखिए क्या हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। इनको रोकने की कोशिश की गई, जो सफेद पानी था, जो झाग था, उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बार बार ये टूट कर नीचे गिर जा रहा है। यानी तमाम प्रयास यहाँ पर सुबह से जो किए जा रहे हैं इन लोगों द्वारा, जो मेहनत इनके द्वारा की गई वो विफल होती हुई यहाँ पर दिख रही है। झाग क्योंकि अब देखिए तट के किनारे तक पहुंच गया है, इससे पहले भी मैंने आपको नजारा दिखाया था, उस वक्त इतना क्षेत्र जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे का इतना क्षेत्र काफी साफ दिख रहा था, लेकिन देखिए अभी तस्वीरें कितनी भयावह हो गई हैं। और लगातार हमारे कई सहयोगी भी अलग अलग जगहों से, अलग अलग यमुना के तीरे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक के पास पहले चलते हैं, दीपक रावत, जहां से मैंने आपको छठ पर्व की तस्वीर दिखाई वहीं पर यूपी के क्षेत्र में वो मौजूद है। दीपक चाहेंगे वहां की तस्वीरें दिखाइए, कुछ भजन भी हम वहां पर बजते हुए सुनाई दे रहे हैं, हम यहाँ से भी देख पा रहे हैं कई लोग वहां पर पहुंचे हैं, क्या नजारा है वहां का, नजारा दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर छठ व्रती जमा हुए हैं। भीड़ काफी ज्यादा है, सैकड़ों हजारों की तादाद में अब लोग जमा हो चुके हैं, क्योंकि डूबते इसी तरीके से डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, कल सुबह उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें ये देखिए, तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि नदी नजर नहीं आ रही है, नदी इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि सफेद झाग, चारों तरफ सिर्फ सफेद झाग नजर आ रहा है। ये भी सब ये कारखाना पानी में छोड़ा जा रहा है, घर से निकलने वाला डिटर्जेंट छोड़ा जाता है, उसकी वजह से तक हो सकता है, डॉक्टर साफ तौर पर कहते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी देखिए, मजबूरी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब छठ पर्व मनाए तो कहां मनाए, राजनीति लगातार हो रही है कि छठ घाटों में तैयारी की जाए। तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, दीपक रावत भी उधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर उस पार की बात करें तो देखिए उस क्षेत्र में वहां पर जो छठ व्रती थी, जो महिलाएं थी जिन्होंने लंबे वक्त से छठ
छठ का वो व्रत रखा था वो वहां पर पहुंची हुई हैं और लगातार वो यूपी का क्षेत्र है, लेकिन हम जिस क्षेत्र में मौजूद हैं ये दिल्ली के क्षेत्र में आता है। इतनी यमुना नदी का जो हिस्सा है इतना हिस्सा वो दिल्ली के क्षेत्र में आता है। और सुबह यहाँ पर सुबह से ही कोशिश की जा रही थी, जो बांस के सरिये के जरिए ये मैट बनाए गए थे और कोशिश की जा रही थी पूरे क्षेत्र को ढकने की, ताकि जो सफेद पानी है झाग का वो यहाँ पर ना पहुंचे। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते होंगे, इससे पहले भी मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी, लेकिन अब जब नजारा आप देखेंगे मेरे पीछे ही, जस्ट देखिए कितना झाग यहाँ पर बहता हुआ आप दिखाई दे रहा है, कितनी भयानक और खतरनाक ये तस्वीरें हैं। 10 साल बाद क्या हश्र होगा इस यमुना नदी का, जो उत्तराखंड के यमुनोत्री से बहते हुए आती है और जब वो यहाँ दिल्ली प्रवाहित होते होते पहुंचती है तो उस वक्त क्या प्रदूषित तस्वीर उसकी बन जाती है, नजारा आपके सामने है। और यहाँ से इसका मिलाप होता है अलाहाबाद में संगम में, जहाँ पर सरस्वती के साथ गंगा के साथ यमुना का मिलन होता है, लेकिन बीच में जो 2% हिस्सा इसका दिल्ली में बसता है, दिल्ली में पड़ता है, उसका क्या हश्र है, इस वक्त क्या स्थिति उसकी उत्पन्न हो गई है, कितनी प्रदूषित हो गई है यहाँ पर। ये केवल 2% की गंगा दिल्ली में आप देख सकते हैं, जिस नदी से पानी सप्लाई किया जाता है पूरे दिल्ली को, आज उसी नदी की क्या तस्वीर है, क्या हाल है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जहां जहां भी आप नजर डालेंगे हम आप तक पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग आप आसपास यहां पर देख रहे हैं ना, ये लोग सुबह से ही मेहनत कर रहे थे, सुबह से ही लगे हुए थे, क्योंकि इनको यहाँ पर लगाया गया था। ये जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर बांस की डंडियों के द्वारा जो की गई है, इनको लगाने में ये लोग सुबह से ही लगे हुए थे, लेकिन बार बार ये टूटकर नीचे गिर जा रही है। और अब स्थिति ये है कि फिर से एक बार जो इस सफेद झाग का पानी है ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक हम सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस कोने में छठ पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन उस कोने में देखिए क्या हालात है। यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है, सुबह भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे लेकिन उनको मना किया गया था कि वो यहाँ पर किसी भी तरीके से छठ पर्व नहीं मनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने भी इस बात का ऐलान किया था। उस ओर जहाँ त्योहार मनाया जा रहा है वहाँ पर यहाँ पर आज सुबह से ही सफाई अभियान चलाया जा रहा था, सुबह से ही ये बैरिकेड्स लगाए गए थे इन नावों के जरिए, जो मेरे आसपास आप देख सक रहे हैं, इन नावों के जरिए यहाँ पर कोशिश की गई थी जो सफेद झाग पीछे मौजूद है उसको तितर बितर किया जा सके, उसको तितर बितर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ भी सफल होता हुआ नहीं दिखा। जो बैरिकेड्स बकायदा लगाए गए थे, बैम्बू के जो डंडे बांस के डंडे मेरे आसपास पड़े हुए हैं, ये लोग लगाने की इनको कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना है और ये प्रदूषित इतना पानी हो चुका है कि वो भी टूट टूट कर अब नीचे गिर रहे हैं। और नीचे देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाऊंगी, ये नाव मेरे सामने खड़ी है और ये देखिए इसके आसपास कितना झाग है, ये सोचिए, तस्वीर देखिए, समझिए, महसूस कीजिए कितना प्रदूषित है ये पानी। क्या होगा आखिर जो इसके भीतर जाएगा, जो लोग इसमें छठ मना रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि पानी इतना गंदा है कि इसकी वजह से नुकसान हो सकता है लोगों को, जो लोग खासतौर पर काफी लंबे वक्त तक छठ के तौर पर छठ मनाने के लिए यहाँ इस पानी में खड़े रहते हैं। और मैं भी जहाँ पर खड़ी हूँ आपको बता दूँ, इतनी गंदी दुर्गंध यहाँ से आ रही है कि मेरा खड़ा होना भी, सांस लेना भी, अगर इरिटेशन महसूस होती है, नाक में जलन महसूस हो रही है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ और बहुत गंदी, बेहद गंदी दुर्गंध यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन हमारा काम है आप तक ये सभी तस्वीरें पहुँचाना, क्योंकि अब यमुना का ये जो जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर यहाँ पर बढ़ रहा है वो चिंता का विषय बन गया है। ये विषैला हो चुका है ये पानी यमुना नदी का, क्योंकि इसी यमुना नदी से पूरे दिल्ली को पानी की सप्लाई होती है। और सोचिए आज उसी यमुना नदी की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, उसी को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ, लेकिन आखिर जिम्मेदारी कब किसकी बनेगी, ये सवाल है। हर साल यही तस्वीर हम देखते हैं और फिर हमारे सामने वही नजारा, वही कुछ चंद तस्वीरें। ये झाग वाली तस्वीर आज की नहीं है या कल की नहीं है, इससे पहले भी, एक साल पहले की अगर बात की जाए तो भी ये सफेद झाग हमने देखा था, उस वक्त भी ये तस्वीर हमारे सामने आई थी, लेकिन आखिर जिम्मेदारी कब कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सियासत ऐसे वक्त पर क्यों होती है जब हमें पहले ही मालूम था कि दिवाली के बाद महापर्व छठ मनाया जाता है, लोग बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं, तो हमने आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की, और आज इसी को लेकर इतनी सियासत क्यों, आखिर इतनी जरूरत क्यों पड़ी, और आज अगर सफाई हो रही है तो आज ही क्यों हुई, इससे पहले भी तो ये सफाई अभियान यहाँ पर चलाया जा सकता था, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर सफाई जरूर की गई लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ, वो झाग का पानी फिर भी इन बैरिकेड्स को तोड़कर भी आगे निकल गया है। ये प्रदूषित इतना ज्यादा हो गया है कि इसमें से अब गंदी दुर्गंध भी आनी शुरू हो गई है, यानी प्रदूषण का स्तर किस ओर पहुंच चुका है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूर दूर तक देखिए, केवल आपको लग रहा होगा कि आखिर ये क्या है, किस तरीके की सफेद तस्वीरें हैं, और देखिए इस वक्त मनोज तिवारी यमुना घाट पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सुबह भी ऐलान किया गया था उनके द्वारा कि वो यमुना घाट पहुंचेंगे और जो भी छठ व्रती हैं
उनके इस त्योहार में वो शामिल होंगे। और इस वक्त सीधी तस्वीरें और मनोज तिवारी को इस वक्त आप देख सकते हैं, यमुना घाट पर वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी की ओर से लगातार आम आदमी पार्टी पर कई तरह के आरोप बहुत ही गलत लगाए गए थे यमुना के सोनिया बिहार घाट में। 2015 के ऑर्डर को लेकर के खड़े हैं, जबकि उसके बाद 6 साल छठ हुआ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आस्था के साथ नदी साफ करो ना, जो पर्व त्योहार से नदी को साफ करते हैं उसको तो बैन करने से कोई फायदा नहीं। तो हमें आप वहां जाने का रास्ता दो, मैं आपसे निवेदन करता हूं, नहीं तो फिर हमें परेशानी होगी। कैसे पूजा आज संभव हो पाएगी? बिल्कुल, देखो पूजा तो होगी ही, पूजा हो रही है, पूजा होगी, लेकिन हम लोग अभी घाट साफ करने वाले हैं, सफाई करके, यमुना जी की सफाई होनी चाहिए ना। किसने कहा कि आप चलिए यमुना जी में गंदगी जो है वो कौन साफ करेगा? आप बताओ कौन साफ करेगा? सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, डीडीएमए के ऑर्डर के तहत से इस बार मना किया गया है सर। डीडीएमए के ऑर्डर को हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते। हमें वहां जाना है, मैं क्षेत्र का सांसद हूं, मुझे वहां जाने दीजिए, शांति से जाने दीजिए। वैसे ही आपने रोक दिया है, तो कौन यहाँ पे है? तो मनोज जी यहाँ तो बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरी तरह से, किस तरह से अंदर जाएंगे? देखो मेरा आप ये आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगी थी वो पिटीशन यमुना के किनारे मंगाने के लिए लगी थी। हाई कोर्ट ने कहा है कि हम तो हाई कोर्ट के परिसर में भी परमिशन देने को तैयार हैं छठ का। आज वो पिटीशन है, मतलब मैंने आज वो पिटीशन है। हमें आप एडीएम साहब हमें घाट पे चलने की व्यवस्था करिए, मैं घाट देखना चाहता हूँ क्या स्थिति है। मुझे घाट पे चले, कम लोग हैं, घाट पे चलने की व्यवस्था करिए। वाकई दिल्ली की स्थिति इतनी खराब थी कि एकदम यहाँ स्थिति खराब नहीं है, यहाँ देखिए छठ पूजा के लिए मनोज तिवारी पहुंचे हुए हैं सोनिया विहार यमुना घाट के पास, वो मौजूद हैं पुलिस वालों से, जहां पर उनकी हल्की फुल्की बहस भी हो गई इस बात को लेकर, क्योंकि उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, तमाम पाबंदियां भी लगाई गई हैं यहां पर। लेकिन इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है, जहां पर बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के हर कोने में छठ पूजा मनाई जा रही है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनका पालन किया जाए, कोरोना गाइडलाइंस का खासतौर पर पालन किया जाए। लेकिन तस्वीरें जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, कालिंदी कुंज, ये घाट है यमुना का, जो दिल्ली के हिस्से में इतनी यमुना नदी आती है, लेकिन उस पार अगर आप देखें तो देखिए वहां पर छठ का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। छठ की कुछ तस्वीरें भी आप उस पार देख सकते हैं, और वो उत्तर प्रदेश के इलाके में आता है, यमुना नदी का वो हिस्सा उत्तर प्रदेश के इलाके में आता है। और बीच में अगर आप देखें तो ये सफेद चादर हम ये प्रतिबंध तोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमारी आस्था को कोई नहीं रोक सकता, हमें अर्घ देना है डूबते सूर्य को, तो मुझे देना है। अब आप अंदर जाकर तो क्या पूजा पाठ करेंगे? हाँ। हम करेंगे, ये आस्था पे कुठारा घात है, ये ठीक बात नहीं है। भाई तू बहन तुम करो छठ, ये दिल्ली पूरी दुनिया देख रही है कि यमुना जी के तट पे इस तरह का अत्याचार बिल्कुल ठीक नहीं है। ये यमुना जी के घाट को हम लोग साफ करते हैं, और ये सोनिया विहार की यमुना जी इतनी साफ है आपको हम दिखाते हैं, इसलिए हम इस प्रतिबंध को हम नहीं मानेंगे। बट हम रो रहे हैं, प्रतिबंध लगाया है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि कानून तोड़कर छठ मनाना उचित होगा? क्यों लगाया प्रतिबंध? डीडीएमए का काम यमुना जी को साफ करना है ना, ये डीडीएमए का काम यमुना जी को साफ करना है। डीडीएमए का काम आस्था को रोकना नहीं है। डीडीएमए मतलब क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। आज क्या डिजास्टर हुआ है? डिजास्टर यही हुआ है कि यमुना जी गंदी हुई हैं। ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट को डिजास्टर दूर करना चाहिए ना, कि इंसानों को ही दूर करना चाहिए। इसलिए मैं घाट पे चलता हूँ, हम घाट पे चलते हैं। यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है यहाँ पर सबसे बड़ी
वजह क्या सामने आ रही है जो ये आज स्थिति उत्पन्न हुई है? देखो ये जो भी जो ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति बहुत दुखद है। आप खुद बताइए, यहाँ पे लाखों लोग आते थे, आज कोई नहीं आया। इधर से चलने दीजिए, मुझे घाट पे जाने दीजिए। दिल्ली में कभी सोचा था आपने इस तरह की परिस्थिति से आपको कभी रूबरू होना पड़ेगा? नहीं, मैं देखिए, मुझे पहले घाट पर मैं पहुंचता हूँ, अर्घ देने का समय जा रहा है, मुझे तो अर्घ देने दो। आप अर्घ देते हुए हम बात करें, सिर्फ आप ही नहीं है, जो तमाम जितने लोग खासकर पूरा परिवार सबके साथ इस पूजा में विघ्न है। हाँ, ये तो पूजा में विघ्न है ना, भारी विघ्न है। आप बताइए, देखिए लगातार तस्वीरें हम आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यमुना नदी की प्रदूषित तस्वीरें हैं और कालिंदी कुंज ये घाट है यमुना का, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे का नजारा अगर आप देखेंगे तो बेहद डराने वाला है। सफेद चादर आपको दिखेगी, ऐसा मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसके नीचे नदी भी थी। और चाहे आसमान की बात कर लेना, आसमान साफ दिख रहा है, ना ये नदी साफ दिख रही है, क्योंकि आसमान में धुंध की चादर बिछी हुई है। वहीं नदी के ऊपर ये झाग का पानी, झाग का सफेद पानी, अक्सर आपने देखा होगा जब आप कपड़े धोते हैं बाल्टी में, जब डिटर्जेंट घोलते हैं तो ऐसा नजारा मिलता है। लेकिन सोचिए, बाल्टी का पानी नहीं है, पूरी की पूरी नदी, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर किसी ने डिटर्जेंट का पानी घोल दिया हो। पूरी की पूरी नदी में सफेद चादर फैली हुई है और ये प्रदूषित हो चुकी है, बेहद प्रदूषित। और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि हर बार हम यही इसी तरह की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिल्ली सरकार ने पाबंदी लगाई है कि इसी वजह से यहाँ पर घाट में कोई भी मौजूद नहीं है। और मेरे पीछे जितने भी लोग आप देखेंगे, सुबह से ही लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर बैंबू के डंडे से, बांस के जो डंडे हैं यहाँ पर भी रखे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो, इनके जरिए रोकने की कोशिश की जा रही थी इस सफेद पानी को। लेकिन ये प्रदूषित पानी, ये पानी इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है कि इसकी वजह से जितने भी बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं वो भी अब टूट टूट कर गिर रहे हैं, क्योंकि पानी का बहाव भी काफी है और इनको ये झेल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पूरा का पूरा झाग का जो पानी है वो देखिए अब तट तक पहुंच चुका है। और नाव भी यहाँ पर मेरे पीछे रखी हुई है, नाव भी अगर आप देखेंगे तो नाव भी यहाँ पर रखी हुई है। इन्हीं के जरिए ये जो झाग था उसको हटाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आप चलेंगे प्रियंका के पास। प्रियंका, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं? यमुना की तस्वीर वहाँ कैसी है, एक बार दिखाइए, क्योंकि खुद कुछ देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी बिल्कुल, मैं किदवई नगर में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर कृत्रिम घाट बनाया गया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, जहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो पूरी आस्था के साथ फिलहाल छठ के इस पर्व को मना रहे हैं। यहाँ पर आप तमाम महिलाएं देख रही हैं जो अर्घ्य देकर फिलहाल पूजा करती हुई तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। आप देखेंगे कि सूप में तमाम पूजा की सामग्री लेकर व्रती के साथ जो घर के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें किदवई नगर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कृत्रिम घाट बनाया गया है। जो आसपास के लोग हैं वो जमुना में ना जाकर इसी कृत्रिम घाट में तमाम लोग पूजा अर्चना करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। सर आ गया। मैं आपको तस्वीरें सीधा किदवई नगर की दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कृत्रिम घाट की व्यवस्था की गई है और तमाम जो फिलहाल व्रती महिलाएं हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो डूबते सूर्य को अर्घ दे रही हैं। छठ मैया का जो ये पूरा त्योहार होता है उसका आखिरी दिन, जिसमें डूबते सूर्य को पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम महिलाएं जो है अपने पारंपरिक वेशभूषा में है। दूसरी तरफ की तस्वीरें देखेंगे तो जो महिलाएं अर्घ देकर आ गई हैं वो फिलहाल पूजा कर रही हैं। 3 दिन का मुश्किल व्रत इसे माना जाता है, जहां पर 3 दिन का ये प्रोसेस है। कल खरना था, आज ये डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की प्रक्रिया यहां पर की जा रही है। और खूबसूरत तस्वीरें, ये तमाम लोग जो फिलहाल छठ मैया का पर्व मनाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, इनकी सोसाइटी में ही एक कृत्रिम पूल बना दिया गया था, जहां पर पानी में खड़े होकर तमाम महिलाएं अर्घ्य दे पा रही हैं। तो ये रंग है छठ पर्व के उस सोसाइटी में जहां पर इसका इंतजाम है। और थोड़ी ही देर में यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचने वाले हैं। जी, तो किदवई नगर दिल्ली से तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रियंका, वहां पर हमारी सहयोगी मौजूद थी, उन्होंने तस्वीरें दिखाई।
मैं खुद भी इस वक्त कालिंदी घाट पर मौजूद हूँ और देखिए यहाँ पर ये नजारा प्रदूषित नदी यमुना नदी की ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, सुबह से ही खड़ी हूँ, लेकिन इतनी बदबू इस नदी से आ रही है कि यहाँ पर खड़ा होना भी अब दुश्वार हो रहा है, क्योंकि अमोनिया की वजह से ये जो सफेद झाग है यहाँ पर बनने लगा है। और देखिए अगर आपको मैं पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो उस ओर से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, वो यूपी का इलाका है जहाँ से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और उसकी वजह से झाग जो है वो लगातार बन रहा है और पूरी की पूरी यमुना नदी अब सफेद चादर से, इस सफेद गंदे झाग से घिर चुकी है। सुबह यहाँ पर सफाई भी करवाई गई, नावें आप मेरे पीछे कई सारी देख रहे होंगे, इनके जरिए झाग को तितर बितर करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि कुछ देर तक वो झाग तितर बितर तो हो गया लेकिन वापस लौटकर प्रवाहित होते हुए इसी रास्ते वो आगे बढ़ता हुआ अब देखिए यहाँ तट तक पहुँच चुका है। यानी कि इतनी प्रदूषित तस्वीरें देखिए, झाग आप देख सक रहे होंगे मेरे पीछे, ठीक पीछे यहाँ नाव के नीचे भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना झाग है, कि बदबूदार झाग, बदबूदार तस्वीरें। और ये देखिए पूरे की पूरी जहाँ तक आप नजर डालेंगे आपको केवल सफेद सफेद झाग ही नजर आएगा और ये झाग बेहद प्रदूषित है, जिसकी वजह से गंगा का जो स्तर है वो और ज्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। ये खतरनाक तस्वीरें हैं, कालिंदी कुंज यमुना घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और बेहद डराने वाली तस्वीर है, क्योंकि 10 साल बाद का यमुना नदी का क्या भविष्य होगा, हमें ये सोचकर चलने की जरूरत है, ये सोचकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसी को लेकर यहाँ पर सफाई कराना इस नदी की बेहद जरूरी है, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है, ना केवल जल बल्कि वायु भी बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है। मेरे पीछे का नजारा आप देखेंगे, ना आपको नदी साफ दिखने वाली है और ना ही आपको आसमान साफ दिखने वाला है, क्योंकि आसमान में धुंध की चादर है और नीचे अगर आप देखेंगे तो सफेद झाग के पानी से पूरी की पूरी यमुना नदी इस वक्त सिमटी हुई है। पूरे के पूरे यमुना नदी में केवल सफेद झाग का ये पानी ही यहाँ पर दिख रहा है। सोचिए किस तरह का नजारा अब हो गया है, किस तरह की तस्वीर हो गई है। हालांकि छठ पर्व भी मनाया जा रहा है, उस पार की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए मैं इस छोर में हूँ, लेकिन अगर यमुना नदी के ही उस छोर की बात कर लें जो यूपी के क्षेत्र में आता है, तो देखिए वहां पर कितनी भीड़ मौजूद है। अब बाकायदा तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं, छठ पूजा जो है वो वहां पर मनाई जा रही है। तस्वीरें लगातार सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग अब पहुंच रहे हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच का जो नजारा है, ये सफेद पानी अब आगे बढ़ता हुआ और उस ओर प्रवाहित होता हुआ दिख रहा है। सोचिए छठ पूजा तो हो जाएगी लेकिन उसके बाद ये पानी कितना और प्रदूषित होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। हमने पहले इंतजाम क्यों नहीं किए, क्योंकि हम सबको मालूम था, सभी सरकारों को मालूम था कि छठ पर्व आने वाला है और दिवाली के बाद ये महापर्व आता है। प्रियंका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कालिंदी कुंज से। प्रियंका कुछ ही देर में वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आ जाएंगे, लेकिन सुबह से ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, जब से छठ पर्व शुरू हुआ है तभी से चालू है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई है और जगहों पर भी व्यवस्था ऐसी ही हो सकती थी, तो नतीजा ये नहीं होता कि घाटों तक लोग पहुंच रहे होते। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि व्यवस्था जिस तरीके से किदवई नगर में की गई है, ऐसी ही व्यवस्था हर जगह नहीं की गई और इसी का कारण है कि कल्याणपुरी की बात की जाए, आईटीओ घाट की बात की जाए, जहां पर लोग पहुंचे। लेकिन मैं ये तस्वीरें आपको किदवई नगर की दिखा रही हूं, जहां पर फिलहाल छठ पर्व को पूरी उल्लास के साथ, पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर हमारे साथ है। ये जो फिलहाल डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है, क्या इसके मायने होते हैं? इसके मायने यही होते हैं कि हम डूबते सूरज की भी आराधना करते हैं, उनसे भी प्रेयर करते हैं हम, और उगते सूरज की भी हम पूजा करते हैं। ये इस चीज का छठ में बहुत ज्यादा ही महत्व है। ठीक है, ठीक है। तो ये जिस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, पूल जैसा बनाया गया है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, पानी की कितनी इम्पोर्टेंस है? इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये छठ पूजा जो भी होती है हमेशा पानी में थोड़ा सा डूब के ही होती है और उसके बाद अर्घ दिया जाता है शिवदेव को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए, और हम हर एक साल घाट बनवाते हैं, टेम्प्रेरी घाट बनवाते हैं और साफ सुथरा पानी डालते हैं उसमें, और फिर उस पानी में जाके जो, यानी कि अगर आप पानी में होंगे तभी आप अर्घ दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पानी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से की है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अर टाइम्स में सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि आज हिंदुत्व का राजनीतिक रूप हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। तो वो उनकी किताब का जो अंश वो हम दिखा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की एक किताब उन्होंने लिखी है। किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आर टाइम्स।
नाम से तो ऐसा लगता है कि इस किताब में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या से जुड़ी बातों का जिक्र होगा, लेकिन असल में इस किताब में हिंदुत्व पर बहुत कुछ कहा गया है। सलमान खुर्शीद ने लिखा है कोट अनकोट में, हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगाया जा रहा है, साथ ही हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। हमारे साथ अरुण, हमारे सहयोगी, इस मुद्दे पर बात करने के लिए, उनकी किताब पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि किताब अयोध्या के इर्द गिर्द होगी, लेकिन काफी कटाक्ष उन्होंने किए हैं इस किताब में। अरुण, देखिए प्रीति, किताब निश्चित रूप से अयोध्या का जो फैसला आया था उस पर ही है, और उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि फैसला ठीक है, जायज है, लेकिन उसमें हिंदुत्व को लेकर के जो उनकी टिप्पणी है, खास तौर से जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बोको हराम और आईएसआईएस ये दोनों ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनकी विचारधारा लोगों को बखूबी पता है। वो किस तरह से जिहाद को परिभाषित करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, किस तरह से लोगों का सर कलम करते हैं, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, और उस संगठन से हिंदुत्व की तुलना करना, हिंदुत्व के आइडियोलॉजी की तुलना करना, जाहिर सी बात है ये बीजेपी आरएसएस सहित तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उनको पसंद नहीं आएगा, और उस पर प्रतिक्रिया होगी और प्रतिक्रिया मिलना शुरू भी हो गई है। खासतौर से सलमान खुर्शीद, जो आज का हिंदुत्व है, वो कहते हैं कि जो हिंदुत्व था पहले वो साधु संतों का हिंदुत्व था, लेकिन आज का जो हिंदुत्व है उसकी तुलना उन्होंने आईएसआईएस और बोको हराम से की है। जाहिर सी बात है कि उनके इस बयान के बाद बवाल मचना तय है, और आपसे थोड़ी देर बाद 6 बजे इस किताब का औपचारिक रूप से विमोचन होना है, जिसमें पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री और दिग्विजय सिंह, ये दोनों नेता अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों के हाथों जब किताब का विमोचन होगा तो जाहिर सी बात है और ज्यादा कंट्रोवर्सी होने वाली है। जिहादी इस्लामी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना करना, ये कितना सही है कितना गलत है, इस पर तो राजनीतिक प्रतिक्रिया जरूर आ रही होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जितनी सीनियर विंग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करते रहते हैं जो कांग्रेस पर सवाल दागने का मौका खास तौर पर बीजेपी को दे देते हैं। अरुण, अरुण आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे साथ अमित मालवीय जुड़ रहे हैं। अमित मालवीय जी, जिहादी इस्लामी संगठनों का लगातार तुलनात्मक हिंदुत्व से करना सलमान खुर्शीद की किताब में, बीजेपी की इस पर पहली प्रतिक्रिया, अमित जी आप देखिए, सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में जो हिंदुत्व की तुलना इस्लामी संगठनों के साथ करी है वो कांग्रेस पार्टी की सोच की परिचायक है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को जन्म दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती आई, और उनकी तुष्टीकरण के चलते ही इस देश का विभाजन हुआ। तो अगर सलमान खुर्शीद, जो पहले सुन्नी जैसे प्रतिबंधित संगठन के वकील रह चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी में नेता रहते हुए मुस्लिम महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ खामोश रहे और उसको कई मायने में बढ़ावा भी दिया, जब शाहपानों का मसला सामने आया था तो ये मुसलमानों के साथ, कट्टर मुसलमानी संगठनों के साथ खड़े दिखाई दिए थे। तो सलमान खुर्शीद का ये कहना कि हिंदुत्व आतंकी संगठनों जैसा है, ये हिंदुओं का अपमान है, इस देश की जो बहुल प्रजाति है उसका अपमान है। लेकिन अमित मालवीय, इस बात को समझना इस लिहाज से होगा कि सलमान खुर्शीद अपनी किताब में ऐसा लिख रहे हैं, ये पहली दफे नहीं हो रहा है। वो पहले भी अयोध्या विवाद को लेकर समाज में बंटवारे की स्थिति की बात कर चुके हैं। कोर्ट के फैसले ने काफी दूर तक देखने की कोशिश की, कोर्ट ने फैसला ऐसा फैसला नहीं दिया जिससे कोई एक जीता, ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन जब किताब के पन्नों को देखते हैं तो वो किस तरह से कुछ जिहादी इस्लामी संगठनों की तुलना हिंदुत्व से कर देते हैं, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहां पर हम सेक्युलर की बात कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसके फैसले को हम किस नजरे से देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं इस किताब में। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कई सालों तक कोर्ट में इस विवाद को लंबित रखा, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे। अंततः कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। अब कोर्ट के सर्वमान्य फैसले का विरोध करना कोर्ट की अवमानना होगी, तो ये ना करके हिंदू समाज पे आक्षेप करना, हिंदू समाज का अपमान करना, हिंदू समाज के
कल्चर को उनके। अमित जी मैं आपको रोक रही हूँ इस पर बात करने के लिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो पार्टी जिसको बार बार बीजेपी कहती है कि जनेऊ उधारी पार्टी है, उसके पार्टी के शीर्ष नेता अगर ऐसा कहते हैं, जिहादी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना करते हैं, तो आचार्य जी आपको कैसा लगता है? देखिए, भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर पर अब कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। सभी लोगों को प्रतीक्षा है कि भव्य मंदिर बने, उसके दर्शन हो, और कोर्ट के फैसले का सभी ने स्वागत किया। इस देश में मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता या कोई ऑथर या कोई पत्रकार या कोई अफसर अधिकारी या कोई जो भी सेक्टर्स हैं हमारे लोकतंत्र के, उन्होंने किसी ने भी विरोध किया हो या ये कहा हो कि फैसला गलत है। अब सवाल है सलमान खुर्शीद जी की किताब का, तो ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, इस देश के अंदर हर फैसले पे, हर नियम पे, हर कानून पे अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है। सलमान खुर्शीद देश के कानून मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बड़े वकील हैं। अब उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने जो भी उनको लगा है वो उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। अब हो सकता है कि कुछ को उनकी बात अच्छी लगे, कुछ को उनकी बात बुरी लगे। मैं भी उनके किताब के विमोचन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाऊंगा और मैं भी अपनी बात रखूंगा। तो सवाल इस बात का है कि आप ये कहना चाहते हैं कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं के खिलाफ उस किताब में जिक्र किया है या हिंदूवादी संगठनों की तुलना किसी आतंकवादी से संगठन से की है, तो ये उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में की है, क्या किताब में लिखा है? मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात, उस किताब का अध्ययन करने के पश्चात ही अपनी प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। नहीं, लेकिन आचार्य जी अभी आपने कहा कि मैं उस किताब के विमोचन में जाऊंगा और मैं जरूर अपनी बात को रखूंगा। बोको हराम, ISIS से हिंदुत्व की तुलना करना, आतंकवादी संगठनों से तुलना करना, क्या भारत जैसे मुल्क में सही होगा? नहीं, बोको हराम और ISIS जो हैं ये घोषित आतंकवादी संगठन हैं। इनकी तुलना किसी और से करना, किसी भी धर्म के, अभी मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई और संगठन ऐसा है जिसकी, जो बोको हराम और ISIS जैसा क्रूर और कट्टरपंथी संगठन, उनके जैसा अभी तक कोई नहीं है पूरी दुनिया में। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं उस किताब को स्टडी करूंगा, अध्ययन करूंगा और किताब के विमोचन में जाकर के बात समझूंगा, तभी तो मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। अभी मैं कैसे मान लूं कि सलमान खुर्शीद जी ने क्या लिखा है? लेकिन जो हम दिखा रहे हैं, हम लगातार देखिए, अगर चर्चा हुई है तो वाकई में कुछ ऐसा है जिसको हम दिखा भी रहे हैं। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं चाहती हूं कि एक आचार्य के नजरिए से, एक पार्टी के नेता होने के नजरिए से आप बताइए कि इस तरह के वक्तव्यों को जगह है भारत जैसे मुल्क में, जहां पर हम सेक्युलर होने की बात करते हैं, जहां पर हम हिंदुत्व को लेकर अलग अलग, जो हिंदुत्व की इससे जुड़ी हुई पार्टियां नहीं है वो भी अपने आप को जनेऊ उधारी दिखाते हैं, मंदिरों की चर्चा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं? देखिए, जनेऊ धारण करना एक संस्कार का विषय है। हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू परंपरा में 16 संस्कारों का जिक्र किया है। उसमें जनेऊ धारण करना भी एक संस्कार है, कर्ण छेदन भी एक संस्कार है, नामकरण भी एक संस्कार है, ऐसे 16 संस्कार हैं। तो इसमें सवाल आचार्य होने का या कांग्रेस के नेता होने का नहीं है, सवाल है भारत के नागरिक, भारत के संविधान, और भारत के संविधान के आधार पर किसने क्या कहा है अपनी प्रतिक्रिया देने का, ये वो सवाल है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सलमान खुर्शीद जी ने ये कहा है कि साहब हिंदू आतंकवादी संगठन है या हिंदुओं, हिंदू जो है, हिंदुत्व जो है वो बोको हराम की तरह आतंकवादी है, तब मैं इसका विरोध करूंगा। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू संगठन अभी आतंकवादियों का संगठन है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व की राजनीति करना एक आतंकवादी संगठन से तुलना की जा सकती है। लेकिन ये मैं तभी कह सकता हूँ ना जब मैं उस किताब का अध्ययन कर लूँ और उस किताब के विमोचन में जाकर के मैं बात तो समझ लूँ। लेकिन ऐसे में आचार्य जी, अगर उनकी किताब के कुछ जो पॉइंट सामने आए हैं वो अगर ये बता रहे हैं, तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सलमान खुर्शीद या कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व से नफरत है? ये सवाल पूछे जाएंगे और आप विमोचन में जा रहे हैं उस किताब के, तो जब आप लौटेंगे तो आपसे फिर से इसी तरह के सवालों को दागा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। साथी अमित वालवे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुत्व से नफरत को लेकर की गई ये बातें, जिसमें बोको हराम और साथ ही ISIS से हिंदुत्व की तुलना की गई है, सलमान खुर्शीद की बुक का विमोचन अभी थोड़ी देर में होना है, जिसके बाद देखिए सियासत और गरमाएगी इस मुद्दे पर।